हमारी जो स्वभाव को दोष और दुख कहा है, दोष और दुख ये साथ ही रहते हैं, बिना दोष के दुख हो नहीं सकता, बिना दोष के दुख, जहां दोष होगा वहीं दुख होगा। मान लो किसी को किसी से बिछुड़ने में बड़ा दुख हो, रोने लगे, तो दुख तो हो रहा है पर आसक्ति का दोष है इसलिए दुख है। हमारे ज्योतिषी लोग भी कहते हैं बड़े दुखी हो, देखें और तो सब ठीक है, पितृ दोष है कहते नहीं, पितृ दोष, काल सर्प योग, यहां समाधान कराओ वहां समाधान कराओ, ऐसे करो वैसे करो, तो बिना दोष के दुख नहीं होगा। भगवान राम ने एक ही काम किया, देखो ये दोष दुख तब तक नहीं मिटेंगे जब तक दुराशा नहीं मिटेगी, जब तक दुराशा नहीं मिटेगी तब तक दोष और दुख नहीं मिटेंगे। पहले तो दुराशा मिट जाए कि भगवान के अलावा कोई हमें सुखी नहीं कर सकता, फिर ये दोष दुख मिटेंगे। भगवान ने एक काम किया, पहले मारीच को मारा, बिनु फरबान राम ते ही मारा, सत योजन का सागर पारा। भगवान ने बिना फल का बाण मारा और 100 योजन समुद्र के किनारे गया, मरा नहीं। ये दोष है, दोष कितने ही दूर हो जाए लेकिन जब तक ये मिटेगा नहीं आपके लिए समस्या बना ही रहेगा। अच्छा, छोड़ना चाहिए कि नहीं, कोशिश करें। एक बार एक सज्जन हरिद्वार गए, एक महात्मा के पास गए, बोले महाराज हम में कई खराब आदतें हैं, हम उनसे बहुत परेशान हैं। महात्मा बोले तो छोड़ दो, गंगा जी किनारे आए छोड़ दो, कितनी आदतें खराब हैं। बोले कोई 11-12 आदतें। महात्मा बोले तो छोड़ दो, महाराज छोड़ना बहुत मुश्किल है। महात्मा बोले तो 8 आदतें छोड़ दो, 4 बाद में छोड़ देना। महाराज बहुत, तो 5 छोड़ बहुत, तो 2 तो छोड़ कम से कम। बोले 2 आदतें भी छोड़ना बहुत मुश्किल है। महात्मा ने हाथ पकड़ लिया, बोले 1 तो छोड़ना पड़ेगी, नहीं हमसे कहते नहीं, 1 आदत छोड़। बोले हाथ तो छोड़ो, छोड़ रहे। महात्मा बोले हाथ भी तब छोड़ेंगे, पहले छोड़, क्या छोड़ रहा है। सो जब बहुत परेशान हुआ सो बोला महाराज छोड़ दिया छोड़ दिया। महात्मा ने हाथ छोड़ दिया। बोले बुरी आदतों में से क्या छोड़ा। बोले बुरी आदतों में से तो कुछ नहीं छोड़ा, अब आया सो आया, हरिद्वार आना ही छोड़ दिया। बोलो है?